अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जे एन न्यूज़ एच डी के साथ मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर और खबर शामिल करते चले नवाब शाह से। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अफजल राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च नवाब शाह पहुंच गया। अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अलामा साद रिजवी की क़यादत में कराची से निकलने वाले मार्च का नवाब शाह पहुंचने पर मुख्तलिफ मकामात पर नवाब शाह तहरीक लबैक पाकिस्तान के जमींदारान की जानब से शानदार इस्तकबाल किया गया और टी एल पी कारकुनान की जानब से शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। और तहरीक लबैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च मुख्तलिफ मकामात से होते हुए नवाब शाह कैफे शराज चौक पर पहुँचा। इस मौके पर अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अलामा साद हुसैन रिजवी और दीगर जमींदारान ने जलसायाम से खिताब करते हुए कहा कि आज के मार्च का मकसद पाकिस्तान बचाओ मार्च है। मुल्क के अंदर हालिया गुस्ताखियों की लहर थी, कुछ खवातीन और मर्दों ने नबूवत का दावा भी किया। इसके बाद गुस्ताखियों की तवील जिसको मगरब की पस्त पनाही हासिल है, मगरबी एजेंडा है वो कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खलफशार पैदा करने के लिए और अंदरूनी साजिशों को मजीद भड़काने के लिए इसके खिलाफ है। और पेट्रोलियम मसनवाद की महंगी कीमतें और बदमनी महंगाई और लाकानूनीत के खिलाफ हमने ये पाकिस्तान बचाओ मार्च का आगाज़ किया है। और तफसीलात के मुताबिक आज रात ये तहरीक लबैक पाकिस्तान पाकिस्तान बचाओ मार्च के शुरका नवाब शाह कैफे शराज चौक पर ही क़याम करेंगे और सुबह नमाज जुमे के बाद पाकिस्तान बचाओ मार्च मुख्तलिफ मकामात से होते हुए इस्लामाबाद के रवाना होगा।